मौके से अपडेट करेंगे। मियां खालिद हमीद की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने हर तरह के वसाइल दिए हैं, इसलिए हमें मुल्क से मायूस नहीं होना चाहिए। इन ख्यालात का इजहार सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने सरपरस्त आला जहांगीर तरीन, मरकजी सेक्रेटरी इतला डॉक्टर फिरदौस आशिकवान, डिवीजनल सदर राना नज़ीर अहमद खां, विफाक पार्लिमानी सेक्रेटरी राना उमर नज़ीर, मरकजी कायदी नून चौधरी और शेब सदीकी व दीगर ने इनके हमराह बड़े वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए किया। तफसीलात के मुताबिक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने, पार्टी वर्कर्स को मुतहर्रिक करने के लिए एक बड़े वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया। पार्टी परचम और फ्लैक्सेस से शहर और पंडाल को सजाया गया। पंडाल में 5,000 कुर्सियां लगाई गई। मरकजी कायदीन खास मेहमानों मुकर्रीन के लिए बहुत बड़ा स्टेज तैयार किया गया। स्टेज के सामने इंतखाबी निशान उकाब का बड़ा फ्लैक्स अवेजा किया गया। वर्कर्स कन्वेंशन के बराह रास्त मनाजिर दिखाने के लिए स्टेज और पंडाल में बड़ी स्क्रीन अवेजा की गई। इस मौके पर सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान के हमराह खिताब करते हुए सरपरस्त आला जहांगीर तरीन, मरकजी सेक्रेटरी इतला डॉक्टर फिरदौस आशिकवान, डिवीजनल सदर राना नज़ीर अहमद खां, विफाक पार्लिमानी सेक्रेटरी राना उमर नज़ीर, मरकजी कायदीन नून चौधरी और शेब सदीकी व दीगर ने कहा कि तामीर तरक्की खुशहाली के नारे के साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मार्ज वजूद में आई, जो गुज़िश्ता 75 साल से अवाम का इस्तेहसाल करने वाली सियासी जमातों से छुटकारा दिलवाने के लिए बनाई गई है।